नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूं कि आप सभी लॉकडाउन के नियमों का अच्छी तरीके से पालन कर रहे होंगे, क्योंकि हमारी जवाबदेही अपने साथ साथ अपने परिवार और समाज के लोगों की जिंदगी बचाने की भी है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने इम्यूनिटी सिस्टम यानी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने के बारे में, क्योंकि दुनिया का कोई भी रोग मजबूत इम्यूनिटी सिस्टम के आगे ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका इम्यूनिटी सिस्टम फौलाद सा मजबूत बने, तो आप सिट्रस फ्रूट्स जैसे कि नींबू, संतरा, आंवला और टमाटर का अपनी डाइट में रेगुलर इस्तेमाल करें। इसमें मौजूद विटामिन सी सर्दी, खांसी और जुखाम से लड़ने में बहुत मदद करता है। इसके अलावा भारतीय रसोई में प्रयोग किए जाने वाले मसाले किसी वरदान से कम नहीं है। काली मिर्च, दालचीनी, अदरक, लहसुन और हल्दी को रेगुलर इस्तेमाल करने से हमारा इम्यूनिटी लेवल बढ़ जाता है। हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली का 40% हिस्सा पेट से जुड़ा होता है, इसलिए जो भी भोजन हम खाते हैं वो ताजा होना चाहिए, अच्छी तरीके से पका होना चाहिए और मौसम के अनुकूल होना चाहिए। भोजन में एक बहुत जरूरी तत्व होता है, वो है जिंक। जिंक हमें साबुत अनाज से प्राप्त होता है। इसका सबसे सस्ता और सुलभ तरीका है मूंगफली खाना। मूंगफली खाने से हमारी बॉडी को अच्छी तरीके से जिंक मिलता है, जिससे कि हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है। इसके अलावा ये जरूरी है कि हम योग और प्राणायाम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। हमारे योग को आज पाश्चात्य देश भी अपना रहे हैं, तो क्यों ना योग को अपनाकर हम अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली को फौलाद सा मजबूत बनाएं। होम्योपैथ में भी प्रतिरक्षा प्रणाली और इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करने के लिए एक से एक दवाइयां मौजूद हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल करने से पहले आप किसी कुशल चिकित्सक से जरूर सलाह ले लें। इन्हीं सब बातों के साथ मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि मजबूत इच्छा शक्ति और स्ट्रांग इम्यूनिटी सिस्टम के सहारे हम कोरोना वायरस को अपने भारत से हमेशा के लिए आजादी दिला सकते हैं। सो स्टे सेफ एंड स्टे एट होम।